Hey, dosto. Well, welcome back and thank you so much for आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का जिन आप सबने जिन्होंने भी मेरी वीडियो देखी है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच. यू नो आप सब मेरी वीडियो देखते हो, मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत उत्साहित हो जाता हूँ मैं हमेशा नई वीडियोस बनाने के लिए आप लोगों के लिए. सो आप सोच रहे होंगे मैं आपसे आज हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ. वेल, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ और हिंदी हमारी मातृभाषा है वहाँ पर. सो बिकॉज़ यहाँ आज मुझे पता है आप सब लोग वहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट, नया साल आने वाला है जो 2019 उसको सेलिब्रेट कर रहे होंगे, उसके स्वागत में लगे होंगे. सो उसी तरीके से हम भी यहाँ पर हैं. सो मैं यूक्रेन में हूँ, यूक्रेन में इंडिया में और बाकी सभी देशों में क्रिसमस ऑलरेडी जा चुका है 25 दिसंबर को, बट यूक्रेन में और रशिया में यहाँ पर इन देशों में क्रिसमस जो है वो 7 तारीख को आता है जनवरी में. तो इसीलिए मेरे पीछे आप देख रहे हैं मेरे घर में क्रिसमस ट्री है. और अब 2019 आने वाला है तो मैंने कहा आप लोगों से मिले बगैर तो 2018 में मैं बाय बोलूँगा नहीं. तो 2019 से जो मेरा रेजोल्यूशन है वो ये है कि मैं आपसे हमारी हिंदी जो भाषा है उसमें मैं अपने वीडियोस बनाऊँगा. वो इसलिए क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे लगता है मुझे ज़्यादा समझने वाले लोग जो हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं पहले अपने देश के लोगों का या फिर जो लोग हिंदी है मेरी भाषा समझते हैं आसानी से उन लोगों का भर उन लोगों से कनेक्ट करूँगा, उन लोगों से जुड़ूंगा तो अच्छा है. तो इसीलिए सो आपसे मेरे सारे वीडियोस जो भी होंगे मैं अपनी भाषा में ही बनाऊँगा, ना कि इंग्लिश में. मेरे पिछले कुछ वीडियोस इंग्लिश में मैंने बनाए, लोगों को अच्छे भी लगे, लोगों ने कमेंट भी करा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला कि मुझे वही हिंदी में वीडियो बनाओ. तो मैंने कहा चलो हिंदी में बनाते हैं, हिंदी में आसान भी मेरे लिए भी आसान है आपको, क्योंकि इंग्लिश में आप कितने ही अच्छे हो क्यों ना हो लेकिन एक टाइम के बाद आप थक जाते हो तो आप आसानी से ज़्यादा बात करने लगते हो हिंदी में. तो इसीलिए आपसे हिंदी में वीडियो बनाऊँगा. खैर, सो आज का वीडियो मैं इस डेडिकेट करना चाहता हूँ उन सभी लोगों को जो कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया करने के लिए, कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं. उन सभी लोगों को मेरा एक ही मैसेज है, मैं भी एक हसलर रहा हूँ और स्टिल आई एम हसलिंग. यू नो मैं कभी भी रुकता नहीं, हमेशा मैं हासिल करता हूँ, कुछ ना कुछ काम करने के लिए आगे उत्साहित रहता हूँ. तो मैं उन सभी लोगों से एक बात कहूँगा, या फिर जो और उन लोगों से भी जो कुछ नया काम आप शुरू करना चाहते हैं नए साल के अंदर, या फिर आप सोच रहे हैं कि आपको कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, या फिर आपको कुछ लाइफ का कोई भी ऐसा पार्ट है जो कि आप अचीव करना चाहते हैं, तो मैं एक ही सिंपल चीज़ बोलूँगा कि लाइफ में आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, आप कुछ भी ग्रैब कर सकते हो, आप कुछ भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो, लेकिन कुछ भी काम करने के लिए एक चीज़ का होना बड़ा ज़रूरी है. वो ये है कि आपको हमेशा अपनी लाइफ में कुछ हासिल करने के लिए सबसे पहले एक स्टार्ट करना होता है. हम में से बहुत सारे लोग होते हैं हमारी लाइफ में हमारे आसपास जो कि कुछ ना कुछ नया अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ बात करते हैं. और मैं यही कहूँगा कि बात ना करके आप, अच्छी बात है आप समझ, आपके मन में कोई दिमाग में कुछ ऐसा प्लान है अगर आप करना चाहते हो, आप दिमाग में बहुत अच्छी प्लानिंग है, लेकिन आप उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो तो फिर उस प्लानिंग का फ़ायदा नहीं है. तो इस साल मेक अ रेजोल्यूशन, इन 2019 में एक रेजोल्यूशन बनाइए कि आप जो भी अपने मन में बैठे हो सोच के या जो भी कुछ करना चाहते हो आप कर सकते हो, और आप उसके लिए एग्जीक्यूशन करोगे प्लानिंग को. आप स्टेप्स लीजिए, कुछ ना कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, क्योंकि देखिए बहुत मैं आपको ज़्यादा ज्ञान तो दूंगा नहीं, क्योंकि हम सभी ज्ञानी हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं अगर हम उन सब से कुछ ना कुछ छोटा मोटा सीख सकें तो बहुत अच्छी बात होगी. मैंने एक बहुत टाइम पहले एक किताब पढ़ी थी, उसमें एक जो राइटर थे बहुत ही उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़े काम करे, नाम बता दूंगा तो कहेंगे कि शायद ये वो बुक पढ़ के बता रहे हैं कुछ है, बट एक्चुअल प्रैक्टिकल बेसिस पे ही वो बात बता रहा हूँ. उनका नाम सैम वॉल्टन है, जो कि वॉलमार्ट के फाउंडर है, और आज आपको पता ही है कि वॉलमार्ट कितनी बड़ी कंपनी है, बट उन्होंने वो कंपनी कैसे शुरू करी क्योंकि उन्होंने एक चीज़ में बिलीव करा, उन्होंने अपने थॉट प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में डाला. सो आप भी
कुछ ना कुछ जो आपके दिमाग में है, आप अपनी लाइफ में जो भी हासिल करना चाहते हो उसके लिए एग्जीक्यूशन करें, खाली सोचे ना। तो इस 2019 में प्रॉमिस करें अपने आप से कि आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो ब्रेक नहीं करेंगे। चाहे उसको, मैं ये नहीं कह रहा आप एक ही रात में सब कुछ बैठ के ख़त्म करें, छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करिए। अगर आपको बड़े स्टेप्स लेने में दिक्कत है, एक छोटा स्टेप लीजिए, फिर एक छोटा स्टेप लीजिए, फिर आपको रूटीन में बन जाएगी वो बात और आप कर सकते हो। सो मेक सच काइंड ऑफ रेजोल्यूशन जो कि आपको हेल्पफुल हो आपके करियर में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में। और हमेशा बी पॉजिटिव और गिव योर 100% यू नो। जब हम फुल्ली डिटरमिन अपने काम को लेकर हम फुल्ली डेडिकेटेड हो जाते हैं तो वो काम हमेशा ही होता है। और अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव, मैं तो ये कहूँगा कि अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कहूँ तो कई बार मैं भी बहुत निराश होता था कई चीज़ों को लेके, बट मैंने हमेशा उस चीज़ को उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड रहा। और आज मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा बट एटलीस्ट मैं फाइनेंशियल फ्रीडम, मैं मल्टी मिलियनर नहीं हूँ और लोगों की तरह ना ही। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जैसे बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारे लोग होते हैं आपको बताएंगे कैसे पैसिव इनकम कमा सकते हैं आप, पैसे कैसे जल्दी अमीर हो सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। बहुत सारे लोग हैं आपको पैसिव इनकम के बारे में बताएंगे। देखिए, अमीर बनना या बहुत सारा पैसा कमाना, अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, इतना आसान नहीं है। पहली बात, आसान है लेकिन इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आप, क्योंकि बहुत सारे लोग मेहनत नहीं करते हैं, वो मेहनत करने से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, तो इसीलिए वो जॉब्स में फंसते हैं या फिर छोटे मोटे नौकरी करते हैं या फिर अपने करियर में अपना खुद का कुछ काम शुरू नहीं कर पाते हैं। सो मैं यही कहूँगा, अपने डर को कहिए बाय बाय 2018 के साथ, अपने रिस्क को कहिए बाय बाय और अपनी वरीज को कहिए बाय बाय, अपने लेजीनेस को कहिए बाय बाय, अपने लेट बैक एटीट्यूड को कहिए बाय बाय। अब जो वॉट एवर इज़, जो भी आपको चीज़ बांध के रखे हुए, जो भी आपको रोक के रखे, वॉट एवर इज़ होल्डिंग यू बैक, आई एम सॉरी अगर मैं बीच बीच में कुछ इंग्लिश शब्द बोल रहा हूँ बट छोटे मोटे बोलूँगा, ज़्यादा नहीं, तो उन सभी को कहिए बाय बाय। और 2019 आ रहा है, मैं आप सभी के लिए ऊपर वाले से दुआ करूँगा और सभी के लिए शुभकामनाएं दूंगा कि आपका जो नया साल है आने वाला बहुत खुश हो और आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करें और अपने हर एक काम को आप सफलतापूर्वक पूरा करें, लेकिन डेडिकेटेड रहें अपने गोल की तरफ, हासिल करते रहें। और क्योंकि जब तक आप हासिल नहीं करेंगे आप कहीं पहुंचेंगे नहीं, बट स्टेप ज़रूर लीजिए। सो फॉर नाउ टेक केयर, इन्जॉय, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड क्रिसमस यहाँ पर अभी है, तो जो लोगों के लिए क्रिसमस 7 जनवरी को जो मेरी तरह इन देशों में हैं उनके लिए हैप्पी क्रिसमस एज वेल। सो होप नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए, आपके परिवार के लिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियोज मेरे अच्छे लगते हैं तो कीप वॉचिंग, शेयर करिए अपने फैमिली से, फ्रेंड से और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय, टेक केयर।